आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक बयान के बाद शुरू हुआ। नायडू ने पिछले दिनों एनडीए विधायकों के साथ बैठक में दावा किया कि राज्य की पिछली सरकार बालाजी मंदिर के प्रसाद में बंटने वाले लड्डू में मिलावट होती थी। जिस घी में ये लड्डू बनाए जाते थे उसकी गुणवत्ता खराब थी। सीएम ने तो यहां तक कहा कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल भी हो रहा था। अब इस विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है। जिस मंदिर को लेकर दावा हुआ है उस मंदिर के पास करीब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद भी मिलता है, लेकिन उसी प्रसाद की क्वालिटी को लेकर सारा बवाल शुरू हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर यह विवाद क्या है, शुरू कैसे हुआ है और इसका इतिहास क्या है। यह विवाद शुरू कैसे हुआ? दरअसल इसी साल लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। नतीजे आने के बाद जगनमोहन रेड्डी की सरकार गिर गई, फिर राज्य में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के विधायकों के साथ बैठक की और उस दौरान कहा कि तिरुमाला लड्डू मिलता था वो खराब क्वालिटी का होता था, वो घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे। जब से टीडीपी की सरकार आई है पूरा प्रक्रिया को साफ किया गया है और लड्डू के गुणवत्ता को सुधारा गया है। कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही थी? असल में जो मंदिर बोर्ड है उसने लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करवाई थी। उसकी तरफ से घी को गुजरात स्थित पशुधन लैब यानी NDDB काल्फ लिमिटेड भेज दिया गया था। यह 9 जुलाई की तारीख थी जब घी का सैंपल लैब के पास भेजा गया था। उस जांच की रिपोर्ट फिर 16 जुलाई को आई जिसमें बताया गया कि घी का एक सैंपल ठीक नहीं निकला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब कल्फ ने दावा किया कि लड्डू बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल भी मिला था। इस रिपोर्ट की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या बोली जगन की पार्टी? अब इस पूरे विवाद पर और नायडू के दावों पर जगन रेड्डी की पार्टी की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन और YSRCP के वरिष्ठ नेता YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो घी पहले इस्तेमाल होता था वो टॉप क्वालिटी का था, राजस्थान और गुजरात से जो गाय आती थी उनके जरिए निकलवाया जाता था। नायडू जो भी बोल रहे हैं वो पूरी तरह बकवास है, बिना तथ्यों को बोला गया है। बड़ी बात यह है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के ही एक पूर्व चेयरमैन ने भी नायडू दावा का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी घी निकालने का काम करते थे उन्होंने नायडू और जगन दोनों सरकारों में काम किया है। उस समय क्वालिटी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने दो टूक कहा है कि अगर दावों में कोई भी सच्चाई है तो सीएम को सीधे CBI जांच करवानी चाहिए। अब आते हैं कैसे बनाया जाता है तिरुपति बालाजी का प्रसाद। अब इस प्रसाद को लेकर विवाद तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले तब जब भी खबरें आती थी जिक्र सिर्फ उस प्रसाद की भव्यता का होता था। अब इस प्रसाद को लेकर बताया जाता है कि इससे एक स्पेशल किचन में बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोटू कहा जाता है। वहीं प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी एक खास वर्ग को दी जाती है जो पिछले कई सदियों से ये काम कर रहा है, यानी कि उन लोगों के लिए संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात यह है कि जो इस प्रसाद को बनाते हैं उन्हें अपना सिर मुड़वाना पड़ता है, सिर्फ एक सिंगल कपड़ा पहनने की अनुमति रहती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए घी के अलावा चना, बेसन, चीनी, चीनी के छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, कपूर और किशमिश का उपयोग होता है। यह प्रसाद इतना खास है कि 2014 में इसे GI का टैग भी मिल चुका है। इस प्रसाद को बनाने के लिए हर दिन 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता है। ऐसे में रुपये भी काफी लगते हैं और क्वांटिटी भी काफी ज्यादा रहती है। प्रसाद का क्या है इतिहास? भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद का भोग लगाने की प्रथा आज से 300 साल पुरानी है। तिरुपति में जो मंदिर है वहां 1715 से ही भक्तों को लड्डू प्रसाद में दिया जाता रहा है। एक ऐसी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जानकार मानते हैं कि इसी वजह से इस प्रसाद की अहमियत ज्यादा है, लेकिन अब एक बड़ी बात यह भी पता चली है कि इसी प्रसाद को लेकर विवाद पहले भी हुआ है। कई साल पहले एक शख्स ने शिकायत की थी, तब भी गुणवत्ता को लेकर ही सवाल उठा था। अमर उजाला अखबार के मुताबिक साल 1985 में भी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ था। तब कहा गया था कि अब प्रसाद को वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाएगा। असल में एक शख्स ने शिकायत की थी कि उन्होंने जो लड्डू खरीदे हैं उनमें फफूंदी और कील निकली। उस समय यह मामला काफी तूल पकड़ा था। आंध्र प्रदेश के विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। अब एक बार फिर उसी प्रसाद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसे हिंदू आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये थी तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।